राम राम किसान भाइयों, मेरा नाम नरेंद्र कुमार यादव और मैं आपको आज फसलों को प्रभावित करने वाले रेंगने वाले जो कीड़े होते हैं, जो हरे रंग के दिखाई देते हैं, भूरे रंग के दिखाई देते हैं, काले रंग के दिखाई देते हैं, जिनकी रोकथाम के लिए फसलों में आपको कुछ दवाओं के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है। किसान भाइयों, यदि आपकी फसलों में कीड़ों का प्रकोप हल्का फुल्का है, बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें इल्ली बोला जाता है, इनका प्रकोप है, तो आप जो व्यापारिक नामों से दवाइयां हैं, जैसे कि प्रोफेक्स सुपर नागा अर्जुना इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंपनी का आता है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो रासायनिक तत्व पाए जाते हैं वो प्रोफोनोफास 40% और इसके साथ साइपर मेथ्रीन 4% इसी का मिश्रण होता है। इसका इस्तेमाल आप 1 से 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल प्रत्येक 8 से 10 दिन पर करते रहें, ताकि इल्लियों का प्रकोप ना होने पाए या दोबारा पनपने ना पाए। किसान भाइयों, ये कुछ अन्य कंपनियों का अन्य व्यापारिक नामों से आती हैं, जैसे सजेंटा कंपनी का पोलिट्रीन के नाम से आता है, पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी का रॉकेट के नाम से आता है, सुमीटोमो केमिकल्स लिमिटेड कंपनी का हिटसेल के नाम से आता है। किसान भाइयों, जब यही इल्लियाँ बड़ी होकर लार्वा हो जाती हैं, अर्थात ये तकरीबन जो है 7 दिन से ऊपर की अवस्था में हो जाती हैं, और इनका प्रबंध आप इनको नष्ट करने के लिए कोई उपाय नहीं करते हैं, कोई दवाई नहीं डालते हैं, तो ये इल्लियाँ बड़ी होकर लार्वा के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, जिसकी लार्वा को मारने के लिए आप जो मार्केट में उपलब्ध है व्यापारिक नामों से, इसका नाम लार्बोटीन, लार्बोटीन जो क्रॉप लाइफ साइंस कंपनी का आता है, इसमें जो रासायनिक तत्व पाया जाता है, रासायनिक कीटनाशक तत्व जो पाया जाता है, उसका नाम इमामेक्टिन बेंजोनेट 5% SG होता है। यही दवा कुछ अन्य कंपनियों की, जैसे टाटा रैलिस कंपनी का रेलोन के नाम से आती है, धानका एग्रीटेक लिमिटेड कंपनी का EM1 के नाम से आती है किसान भाइयों, और अदामा कंपनी का एमनोन के नाम से आती है, क्रिस्टल कंपनी का मिसाइल के नाम से आती है। किसान भाइयों, आप इसका इस्तेमाल 12 से 15 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी की टंकी में घोलकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खड़ी फसल पर इसका छिड़काव आप कर सकते हैं, जिससे आपका लार्वा नष्ट हो जाएगा। जब यही लार्वा इससे नष्ट नहीं होते हैं या छिपे छुपाए फसलों में बच जाते हैं, तो इनका प्रभाव फसलों में कुछ ज़्यादा हो जाता है, और ये फसलों को चबाकर आसानी से नष्ट करने लगते हैं, जिनकी रोकथाम के लिए किसान भाइयों बैराजाइड अदामा कंपनी का आता है, जिसमें रासायनिक कीटनाशक जो तत्व पाया जाता है वो है नोरान 5.25%, और इसके साथ इमामेक्टिन 0.9% इसी का मिश्रण पाया जाता है। किसान भाइयों, इसका प्रयोग दर जो मात्रा होती है वो है 25 से 30 ml प्रति 15 लीटर पानी, यानी कि प्रति 15 लीटर पानी की टंकी, जिसका आप घोल बनाकर खड़ी फसलों पर छिड़काव कर सकते हैं। जब यही लार्वा बड़ा होने लगता है, तो किसान भाइयों आप बायर क्रॉप केयर कंपनी का जब ये लार्बिन ले सकते हैं। जब ये कीड़े लार्वा से एडल्ट में परिवर्तित हो जाते हैं, तो किसान भाइयों बायर केयर क्रॉप साइंस लिमिटेड कंपनी का लार्बिन, जिसमें थायोडिकार 75% WP पाया जाता है, किसान भाइयों आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका प्रयोग दर मात्रा जो है
वो है 15 से 20 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी, यानी कि प्रति टंकी जो कि 15 लीटर पानी की आती है, आप इसका घोल बनाकर खड़ी फसल पर छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आपका जो कीड़ा है वो मर जाएगा। किसान भाइयों, यदि इन उपरोक्त दवाइयों के बारे में जो जानकारी आपको दी गई है, इसमें आप सिलिकॉन बेस स्टिकर का प्रयोग जरूर करना चाहिए। 5 ml प्रति 15 लीटर पानी की दर से आप सिलिकॉन बेस स्टिकर का प्रयोग करें। इससे आपकी जो दवाएं हैं वो पौधों में अच्छी तरह से फैल जाती हैं, चिपक जाती हैं, जिसको देसी भाषा में चिपको के नाम से जाना जाता है। किसान भाइयों, 5 ml प्रति 15 लीटर पानी में इसका इस्तेमाल किसी भी कीटनाशक के साथ कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी कुछ व्यापारिक नाम कुछ कंपनियों के, जो कि बिल्कान बिल्लोवुड कंपनी का आता है बिल्कान के नाम से, धानका एग्रीटेक लिमिटेड कंपनी का आता है बेडशीट के नाम से, इंडो स्विस केमिकल्स कंपनी का आता है स्विस्बेट के नाम से। किसान भाइयों, चाहे जो फसल हो, इन फसलों को कीड़े जरूर प्रभावित करते हैं। ये इन कीड़ों की 4 अवस्थाएं होती हैं। सर्वप्रथम अंडे होते हैं, अंडों से जो निकलते हैं उन्हें इल्ली बोलते हैं, और ये इल्ली से लार्वा में परिवर्तित हो जाते हैं, और लार्वा से एडल्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। हर अवस्था में आप इनका ध्यान रखते हुए यदि सही दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपनी समय का बचत करते हुए आप उचित लाभ उठा सकते हैं। किसान भाइयों, दी गई जानकारी यदि अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से दी गई सारी जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहे। धन्यवाद किसान भाइयों।